डिजिटल इंडिया देश बन रहा। मुझे विश्वास है बदल रहे देश पर, इसकी नई गति पर, इसके आगे निकल जाने के संकल्प पर, इसके शिल्पकारों पर जिनकी आंखों में स्वर्णिम भविष्य की तस्वीर है। हम सब इसकी प्रगति में भागीदार हैं। हम सब में फिर से देश जग रहा है। मेरा देश बदल रहा है। नई है अन्वेषण की आस्था, नई है खोज की शैली। सोलर के हम 10 दिन की ट्रेनिंग ली, इसके बाद असेंबल किया हमने, असेंबल के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया। वो महिलाएं जो रूरल बैकग्राउंड से आती हैं, जो फार्मिंग करती हैं, उन महिलाओं को टेक्नोलॉजिकली साउंड करना, तो ये पार्ट जो था आईटी बॉम्बे के लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन हमने हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसके थ्रू हमने महिलाओं को ट्रेन किया। अब वो महिलाएं सोलर ऊर्जा लैंप बना सकती हैं और वो महिलाएं अब स्ट्रीट लाइट इंस्टॉलेशन भी कर सकती है। नया है संभावनाओं का ये आकाश। हमारे गांव पालनार में जब से कैशलेस भुगतान की सुविधा हुई है, तब से ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों के लिए भुगतान की सुविधा बहुत ही आसानी हो गई है। जब से यहां पे डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई है, तब से लगातार हमारे क्षेत्र में इसका लाभ पहुंचा है। सवर रहा है मेरा देश, हर खेत को महसूस हो रहे पानी की तरह। केवीके की मदद से यहाँ स्ट्रॉबेरी का बगीचा बनाया है। पहले पेड़ों में पानी देने में बहुत असुविधा होती थी, ड्रिप इरिगेशन की मदद से मुझे ये सारे पौधों में पानी देने में बहुत सुविधा मिली। PMKSY की ओर से मुझे बहुत मदद मिली। यहाँ हम लोग हल्दी के बिजनेस का काम करते हैं, लेकिन पानी की कमी के कारण बहुत मुश्किल होती थी। PMKSY स्कीम अब हमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की मदद से पानी की सुविधा मिली है। अनार लगाने के लिए ये हमारा जमीन भी एकदम ड्राई होने के कारण पानी बहुत डीप है। हमने वो ड्रिप इरिगेशन किया, उसमें सरकार की 50% सब्सिडी मिली थी। पहले जो ड्राई एरिया था वो अभी हमारे वो काम करने के बाद पूरा हरा हरा दिख रहा है। ये मिट्टी और मशीन का समन्वय नया है, नई है भू चेतना, नए हैं कृषि के कायदे, नए हैं खेतीहर के आदर्श। आंखों में जो ये नया निश्चय है, बाजुओं में जो नई उमंग है, इन सब से नव कृषि क्रांति का स्वरूप सवर रहा है। मेरा देश बदल रहा है। बारिश ज्यादा होने से मेरी फसल जल्दी खराब हो जाती थी। अभी ये साल कृषि दफ्तर के स्टाफ ने आके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की नई शुरुआत के बारे में बताया है। ये फसल बीमा करने से मेरी फसल सुरक्षित रहेगी। हमने इस बार ये इंश्योरेंस कर लिया है। पहले खेतीबाड़ी करने के बाद डर लगता था, लेकिन अब हमें कोई डर नहीं। अब खेतीबाड़ी के समय अगर कुछ मुसीबत आ गई तो इंश्योरेंस के जरिए उसकी भरपाई मिल जाएगी। फसल तो गए साल दुष्काल था, पानी नहीं था, इसके लिए कुछ फसल आए नहीं। बीमा भर दिया हमने तो हमारे को कुछ नुकसान होगा तो उससे हमको डर नहीं ना। अपना बीमा है, आपने को क्या कुछ दिक्कत नहीं आती। गए साल जो बारिश कम होने से हमारा बहुत नुकसान होगा, जो हमें बीमा मिली थी उससे हमारा अच्छा चला था। हमने 15 एकड़ के 5,000 भरे थे,
उससे हमारे 60,000 रुपए आए, उससे हमारा अच्छा चल रहा। पहल कर रहा है मेरा देश वंचितों को अधिकार सौंपने में, ढूंढ रहा है नए रास्ते हर समाधान तक पहुंचने में, रास्ते जहां देर नहीं होती, जहां से दिख जाता है अगले साल लहलहाते फसल का दृश्य, फिर से जुड़ जाती है हिम्मत, निकल पड़ता है किसान उन्नति के बीज बोने। उपजाना अगर कठिन था, उससे कठिन थी उपज को बेचने की कठिनाई। पिछले 25 वर्षों से हल्दी के ट्रेड में हूँ और हमारा निजामबाद मार्केट यार्ड पूरे एशिया में टर्मरिक के लिए जाना जाता है मार्केट। हर फार्मर को फायदा हो रहा है, कमीशन एजेंट्स भी खरीदो बोल के उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता था, मगर अब ये जरूरत नहीं है। क्वालिटी अगर है समझो, ऑटोमेटिकली वो लोग खुद कोट करके वो लोग ले ले रहे, इस वास्ते कल्टीवेटर को भी इससे फायदा हो रहा है। फार्मर में भी एक इंस्पिरेशन आता है, अगर उसको पैसा अच्छा मिलता है तो नेक्स्ट टाइम क्वालिटी भी अच्छा लाता है और क्वालिटी के कारण उसको रेट भी अच्छा मिलता है। तोल मोल के जटिल भंवर से अब निकलना आसान है, आसान है भाव के भाव को समझना, पुराने दाव को समझना। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना शुरू की गई है, ये सचमुच में किसानों के उत्थान के लिए बहुत ही एक अच्छी स्कीम है। हमारा ये संकल्प है कि हम हर 10 दिन में 100 किसानों को अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनका हम ईनैम पोर्टल पे आईडी बना रहे हैं, उनका विधिवत पंजीकरण कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, वो एक क्रांति लाएगी विपणन क्षेत्र में। हमारी जो आमदनी है किसानों की, वो 2022 तक दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि जो व्यापार है वो सारा का सारा पारदर्शिता से हो रहा है और शोषण मुक्त हो रहा है। उसे जो मिलना था उसे अब मिल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। बदल रहा है मेरा देश चौहद्दी की सुदूर तक, दूर दूर तक, वहां जहां समय भी समय लेकर समय बिताता है, वहां भी प्रगति करवट बदल रही है। अब वहां से उन्हें भी पूरा देश दिख रहा है। स्टैंडअप के तौर से जो लोन मिला उससे हमने एक बोट खरीदा, इससे मेरे बहन का भी रोजगार जनरेट हुआ और इससे मेरा भी रोजगार जनरेट हुआ। स्टैंड अप इंडिया के जो स्कीम है भारत सरकार की तरफ से, जो मुझे लोन मिला 10,30,000 का, उस लोन से मैंने जो है अपनी बोट को खरीदा और मैं आज उसी के वजह से जो है अपना दिनचर्या लाइवलीहुड जो है मेरा बहुत बेहतर चल रहा है। हमारे इस बारातंग आइलैंड में इस स्कीम की वजह से काफ़ी टूरिज्म बढ़ा है। यहाँ पर अभी 50 से 60 बोटें चल रही हैं, इसमें कम से कम 500 लोग काम कर रहे हैं। ये 500 लोग का रोजगार इनका खुद का रोजगार है, ये लोग जो है आज खुद अपने पैरों पर खड़े हैं। फर्स्ट 3 साल मैं दूसरों का बोट देखता था और उसके बाद आज मैं खुद का एक बोट चला रहा हूँ। स्टार्टअप्स आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द लाइफ ब्लड ऑफ एनी कंट्री। वी बिलीव दिस इज द एज वेयर स्टूडेंट्स विल हैव मोर इनोवेटिव आइडियाज एंड वुड बी फियरलेस to go and take a venture. We allow them to prototype, to develop, to take things to market, to grow. We also get best in class, world class mentors to guide them, support them, encourage them. We want them to become an employer rather than employee and ensure that their dreams are fulfilled. Nayi hai raat ki ye tasveer और रोशनी में दिखता अपना गांव, जिसे अब शाम का भय नहीं है। पहले तो मेरे गांव में बिजली था ही नहीं, लेकिन अब बिजली आ जाने के कारण हम लोग को काम करने और बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी बहुत आसानी होता। मैं पहले दिन में पढ़ता था, बिजली आ गया घरे घर, अब रात के समय मिलता है, भाई बहन मिलकर सब पढ़ते हैं। मेरे गांव में करंट की सुविधा नहीं थी, इसलिए तब तक मैं अपनी वेल्डिंग की दुकान की शुरुआत ही नहीं कर पाया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के मदद से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिला और उसके बाद मैं अपना दुकान खोल पाया। दुकान खोलने के बाद मेरा परिवार और मेरे साथ काम करने वाले 18 लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आया। चमक रहे इन गाँव में, मेरा देश भी चमक रहा है, मेरा देश निखर रहा है।
कृषि का ये क्षितिज नया है, युवाओं का ये दृश्य नया है और नई है हमारी सोच, हमारी खोज, नई है ऊंचाई की हर परिभाषा, नई है आंखों में आशा। बदल रहा है मेरा देश सीमांत के अंत तक, उड़ान की नई भावना लिए, लक्ष्य की नई धारणा लिए, आने को वापस इसी सतरंगी आसमान में। अब सोने की चिड़िया का भी मन मचल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है।